लालू जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो तुम। मैं चाय पीने के लिए क्या चला गया, ट्रेन निकल गई। अरे इसी ट्रेन में तो मोदी जी आने वाले थे। मैं तुमसे कह गया था जो ट्रेन आए उसकी पहली बोगी के अंदर से सीट नंबर 15 से मोदी जी को उतार लेना। अब क्या करें बता, वो इसी ट्रेन में मोदी जी थे। अरे मोदी जी वो बाहर आ गए निकल के। अरे मोदी जी ऐसे मत उतरना, ट्रेन की स्पीड तेज है। क्या बताऊं, जैसे तुम चाय लेने के लिए गए मेरी आंख लग गई, मुझे झपकी आ गई। ट्रेन सिर्फ एक मिनट रुकी यहाँ, जैसी चलने के लिए ट्रेन ने हॉर्न दिया तुरंत मेरी आंख खुल गई। अब वो सब तो छोड़ो, ये बताओ मोदी जी कैसे उतरेंगे, ट्रेन की स्पीड तो तेज हो गई। अरे मोदी जी चैन खेच दो चैन। अरे भाई कोई ट्रेन को रोको, किसी तरीके से रोको, स्पीड तेज हो गई ट्रेन की, मैं कैसे उतरूं, उतर भी नहीं पा रहा हूं, बहुत तेज स्पीड हो गई। अरे योगी जी मैंने कहा था पहली बोगी की सीट नंबर 15 से मुझे उतार लेना स्टेशन पे आके, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, ट्रेन चलने लगी। अब वो तो मैं अचानक खिड़की की तरफ आ गया तो मेरी नजर तुम पे पड़ गई। अब बताओ क्या करा जाए, मैं किस तरीके से उतरूं। अरे भाई साहब कोई तरीका बताओ उतरने का। अरे भाई एक ही तरीका है, या तो चैन खींच दो या अगले स्टेशन पे उतर जाना। अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो काम कर लो, मेरे हिसाब से चैन मत खींचो। मुझे भी बहुत जल्दी है अपने ठिकाने पे पहुंचने की, ये ट्रेन वैसी 3 घंटा लेट है, अगले स्टेशन पे उतर जाना। अरे क्या बताओ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा चैन खींचूं या अगले स्टेशन पे उतरूं। अरे अगले वाले भैया आप बताना जरा क्या करूं मैं। मेरे हिसाब से ट्रेन की चैन खींच दो अगर तुम्हें ज्यादा ही जल्दी है यहाँ उतरने की, ना तो अगले वाले स्टेशन पे उतर जाओ। वो भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बेफालतू में कभी कभी चैन खींचने पे दंड भी पड़ जाता है। अरे भाई मैं चैन उन नहीं खींचूंगा। अरे योगी जी लालू जी अगले वाले स्टेशन पे आओ, जल्दी जल्दी आओ अगले वाले स्टेशन पे, वही मैं उतरता हूँ। अरे अगले वाले स्टेशन पे कैसे आए मोदी जी, अगले वाला स्टेशन बहुत दूर है, 50 किलोमीटर दूर है अगले। अरे तुम तो ट्रेन में सवार हो, हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएंगे। चलो भाई निकल गई ट्रेन। लालू जी क्या बताया जाए, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, तुम्हारी वजह से आज मोदी जी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं उतर पाए। मोबाइल भी है नहीं उनपे, पता नहीं अब क्या होगा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मनमोहन सिंह जी तुम्हारे हल कोई दिमाग में आया? हाँ मोदी जी, अमित शाह जी का एक हल है वो मेरे दिमाग में आया, उसी हल को ले जाऊंगा कल, उसी हल से जुताई करूंगा खेतों की। मनमोहन सिंह जी मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे ये कह रहा हूँ पूरा गांव बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोई काम काज नहीं है। तुमने ये बताया था कि मेरे एक दोस्त है शहर में राजनाथ सिंह जी, उनसे बात करोगे, वो अपने गाँव के सब लोगों को शहर में अच्छी मजदूरी पे लगवा देंगे। तुमने बात की उनसे? अच्छा मोदी जी इस हल की बात कर रहे हो? हाँ इस समस्या का हल मैंने सोच लिया है, लेकिन इस समस्या का हल निकल नहीं पाया। मैंने राजनाथ सिंह जी से बात की शहर में, वो कह रहे हैं शहर में भी बेरोजगारी फैली पड़ी है, यहाँ पे मत आना, अपने गांव में ही हल बैल से खेती बाड़ी करो। लेकिन मनमोहन सिंह जी एक बात बताओ, बारिश हुई नहीं है 2 महीने से, खेत बंजर पड़े हैं, खेती बाड़ी भी कैसे हो जाएगी, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, नदी नाले भी सूख पड़े हैं, तो फसल कैसे पैदा होगी? तो मोदी जी किसी जगह काम करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ गांव में रह के कोई फायदा नहीं होगा। अब योगी जी क्या बताऊं मैं, मैंने मनमोहन सिंह जी से कह दिया था कि शहर में कोई काम हो तुम राजनाथ सिंह जी से पूछ लेना, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि इनकी राजनाथ सिंह जी से बात हुई, वहां पर भी कोई काम नहीं है। तो मोदी जी एक बात बताओ, इस गांव में ऐसे खाली कब तक खाते रहोगे? पिछले साल जो अनाज पैदा हुआ था खेतों में वो सब का सब मैं खा चुका, कहीं कोई काम करवाने वाला आ ही नहीं, मजदूरी हो ही नहीं पा रही है, क्या करा जाए? लालू जी तुम्हारे तो घर का अनाज था, तुम्हारी फसल का अनाज था वो तुम खा चुके, मैं तो उधार लेके दुकान से सारा का सारा अनाज खा गया, मेरे ऊपर कम से कम 10,000 रुपए का कर्जा हो गया है। मोदी जी वैसे मेरे एक दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, उस आइडिया के हिसाब से आप सब लोग अगर चलोगे तो ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो बताओ ना मनोहर लाल खट्टर जी कौन सा वो आइडिया है, कुछ तो बताओ, जल्दी बताओ। देखो वो जो आइडिया आया था वो आइडिया आया मेरे दिमाग में अचानक, मैं भूल गया, अब मैं रात में सोच के याद करूंगा वो कौन सा आइडिया था जिससे कि बेरोजगारी खत्म हो जाए। फिलहाल बहुत अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आया था, लेकिन अचानक आइडिया आया, अचानक मैं भूल गया। चलो अब सब लोग अपना लोग घर चलते हैं, घर चल के सब लोग दिमाग से सोचना कि कौन सा काम करा जाए जिससे कि ये बेरोजगारी खत्म हो। मम्मी जी बढ़िया तरीके से चटपटी तरीके से भिंडी बना दो, इसीलिए मैं बाजार से आज भिंडी भिंडी लाया हूँ, भिंडी खाने का बहुत मन है तुम्हारे हाथ की, तुम्हारे हाथ की भिंडी खाओ तो मजा आ जाता है। इनके सामने भिंडी को छुपा दे, उस दिन कड़ी चावल तुम बना रही थी तो ये मौके पर आ गए थे, तो 5 प्लेट कड़ी चावल खाए थे इन्होंने, और आज भिंडी बन रही है, अगर ये भिंडी बनाते टाइम यहाँ पर टिक गए तो 6-7 प्लेट भिंडी खाएंगे। भिंडी को छुपा दो मम्मी जी, जल्दी छुपा दो। अरे बेटा इतनी जल्दी कैसे छुपा दूंगी, कढ़ाई
पंचायत की भिंडी बहुत पसंद है। अरे मोदी जी पंचायत में नहीं गए, गांव में पंचायत लगी हुई है भाई। अखिलेश में और लालू जी में थोड़ी सी नोक झोंक हो गई थी, उसी की पंचायत चल रही है। पूरा गांव वहीं पे है, वहाँ नहीं गए। अरे राहुल बेटा वहीं से आ रहा हूँ, पंचायत तो निपट गई, दोनों में समझौता हो गया, पंचायत निपट गई। अरे मोदी जी पीछे वाले तालाब में जेसीबी से खुदाई चल रही है, पूरा गांव देखने के लिए जा रहा है, चलो वहीं चलते। अरे राहुल वो तो मैं सुबह सुबह देख रहा हूँ जेसीबी की खुदाई। अरे मोदी जी अभी केजरीवाल जी एक बात और बता रहे थे, गाँव में एक मदारी आया भालू लेकर, चलो भालू का नाच देखते ही चलते। अरे राहुल मैं भालू का नाच अपनी जिंदगी में हजारों बार देख चुका हूँ, मुझे तो कुछ नहीं, जब आपके घर आ गया हूँ तो दो चार प्लेट भिंडी खाना है। सोनिया जी जल्दी भिंडी तैयार करो, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं। चलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे तो अपना 5 दिन में ठिकाने पे पहुँचोगे, कैसे हल्के हल्के चल रहे हो। अरे मैं भी तो तुम्हें कंधे पे लेके चलाता अभी 5 किलोमीटर, तो मैं ऐसे ही चलाता हल्के हल्के। अरे मैं तो इतनी तेज दौड़ रहा था, और जब मेरी बारी आई तुम्हारे कंधे पर बैठने की, तुम हल्के हल्के चल रहे हो। अरे 50 किलोमीटर का सफर तय करना है अपनों को, दूसरे गांव पहुंचना है। जब अपनों ने ये पिछला गांव छोड़ा था तो ये समझौता तय हुआ था कि 5 किलोमीटर मैं तुम्हारे कंधे पे चलूंगा और 5 किलोमीटर तुम मेरे कंधे पे चलोगे। अरे मोदी जी समझौता तो हुआ था, लेकिन एक बात पे तो गौर करो भाई, मैं तुम्हारे कंधे पर जब चल रहा था तो मेरा वजन था 50 किलो, और मैं तुम्हें उठाई हुई हूँ, तुम्हारा वजन है 1 क्विंटल, तो मैं तुम्हें कंधे पर लेके कैसे तेज चल लूंगा ये बताओ। अच्छे खासे इस गांव में जिंदगी बसर कर रहे थे, तुमने ये गांव भी छोड़ दिया। अरे भाई राहुल तुम अगर दिन भर में 20 रुपए भी कमा लो तो तुम्हारे लिए बहुत होते, हमारा इस गांव में गुजारा नहीं हो पा रहा। अरे 100 रुपए की दिहाड़ी पड़ रही है पूरा दिन में, और जिस गांव में अपना जा रहे हैं वहां पर एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपए पड़ेगी। अरे अखिलेश रसोई में कुकर रखा हुआ था, वो रख लिया था तुमने अपने इस बोरे में? अरे रख लिया था योगी जी, मैंने अपने इस बोरे में कुकर को रख लिया था रसोई में से। अरे योगी जी ये बताओ, मोदी जी राहुल का तो एक दूसरे से समझौता हुआ था, वो एक दूसरे के ऊपर कंधे पे चलेंगे, लेकिन अपना भी तो समझौता हुआ था कि ये बोरा मैं जो मेरे कंधे पर है 5 किलोमीटर मैं लेके चलूंगा, 5 किलोमीटर तुम लेके चलोगे। अब मैं 10 किलोमीटर से अपने कंधे पे बोरा लेके चल रहा हूँ, तुम रख ही नहीं रहे हो अपने कंधे पे बोरा, लो ये बोरा लो अब तुम, मोदी जी आप ही समझाओ। अरे योगी जी गलत बात है, हमारे तरह एक दूसरे का साथ देते हुए चलो, जैसा हम और राहुल कर रहे हैं, दोनों थक भी नहीं रहे, कभी मैं चल लेता हूँ राहुल को कंधे पे लेके, कभी राहुल चल लेता है मुझे कंधे पे लेके। अरे लालू जी मिल गए, ये बड़ा पकाएंगे अब। अरे मोदी जी योगी जी राहुल अखिलेश सब मिलकर कहाँ जा रहे हो, कौन से गांव में जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, इस गांव में बिल्कुल गुजारा नहीं हो पा रहा है। अरे लालू जी तुम कहाँ परेशान हो गए बुढ़ापे में, यहीं पे आराम से दिन गुजारो, हम पैदल 50 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, तुम बिल्कुल नहीं चल पाओगे हमारे साथ साथ पैदल। नाले पे से हट जाओ, देखो पानी को मत रोको, नाले पे से हट जाओ, पहले मैं अपने खेत की सिंचाई करूंगा, उसके बाद तुम अपनी खेत की सिंचाई कर लेना। अरे मोदी जी एक बात बताओ, नहर से पानी मैं लेके आया इस में, और तुम सिंचाई पहले करने लगे अपने खेत की, मैं तुम्हारे खेत में बिल्कुल भी पानी नहीं जाने दूंगा, मैं नाले में लेट जाता हूँ। मोदी जी ये नाले को बंद करो, नाले को बंद करो, पहले मैं अपने खेत की सिंचाई करूंगा, तुम्हारे किसी की पहले सिंचाई नहीं होगी, ना अखिलेश तुम्हारी ना मोदी जी तुम्हारी। अरे नहर में पानी ऊपर से मैं लाया हूँ इस नाले में, अरे अखिलेश तुम थोड़ी लाए हो, झूठ बोल रहे हो, और ये लेट कर नाले में पानी को क्या रोक रहे हो, फावड़े से मट्टी से बंद कर दो नाले को। अरे अखिलेश उठो नाले में से, उठो नाले में लेट कर पानी को बंद मत करो, पानी को आगे जाने दो नाले में। भाई मेरा आगे खेत बिल्कुल खंकड़ पड़ा है सूखा, मुझे अपनी खेत की सिंचाई करना है, हटो उठो नाले के ऊपर से, नाली में से हटो। अरे मोदी जी तुम अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो, पहले तुम सिंचाई क्यों कर रहे हो अपने खेत की, तुम्हारा तो नंबर लास्ट में आएगा। देखो योगी जी मैं इस नाली में से तभी उठूंगा जब तुम सब लोग मेरे खेत की पहले सिंचाई करने दोगे, नहीं तो मैं किसी हाल में भी नहीं उठूंगा इस नाले में से। चलो अखिलेश कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो उठोगे ही तुम इस नाली से, ऐसा थोड़ी है यहीं पे पड़े रहोगे, जब ठंड लगेगी तो उठोगे। अरे इस नहर के पानी पे अकेले तुम्हारा हक थोड़ी है, सब लोग अपना खेत की सिंचाई करेंगे, तुमने तो नाली के पानी को पूरे के पूरा बंद कर दिया लेट के। राहुल जो मेरे खेत में पानी जा रहा है तुम अपने पैर से बंद क्यों कर रहे हो? अरे मैं तो बंद कर रहा हूँ, मेरी तरफ तो देख रहे हो, अपने पीछे देखो, अपना सब लोग इधर बातों में लगे हुए हैं, उधर लालू जी ने अपने खेत में नाले से पानी चला दिया। भाई सिंचाई तो मैं ही पहले करूंगा चाहे कुछ हो जाए। भाई इस नहर के पानी पे पहला हक मेरा है, क्योंकि नहर का पानी मेरे खेत के सबसे करीब पड़ता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं अपने खेत में पानी को चला रहा हूँ सिंचाई के लिए, तुम्हें रोकना है रोक सको तो रोक लो। नानू जी ये बातें तुम्हें अच्छी लग रही है, हम सब इधर बातों में लगे हुए थे, तुमने चुपके से अपने खेत में पानी चला दिया। चलो अखिलेश उड़ जाओ नाली में से, ऐसा करो सब लोग अपने अपने खेत में पानी चला लो, सब एक साथ सिंचाई करो। आप मेहनत इतनी ज्यादा करते हो लेकिन आपके खेत में पैदावार ज्यादा नहीं हो पाती है, देखो अगर फसल को अच्छी
तरीके से पैदा करना हो तो योगी जी से सीखो। योगी जी के एक बीघा खेत में 5 क्विंटल आलू की पैदावार हुई है। मानू जी समझ में नहीं आती लोग कैसे अपने खेत में 5-5 क्विंटल आलू पैदा कर लेती हैं। अब देखो मैं दिन रात अपने खेत में मेहनत करता हूँ, मेरे तो खेत में कभी 50 किलो आलू भी पैदा नहीं हो पाए। और राहुल कहाँ जा रहे हैं ये बर्तन लेके? मोदी जी और कहाँ जाऊँगा, मैंने आपसे कहा था कि गांव के प्रधान से कह के कुएं की सफाई करवा दो, अपने कुएं का पानी बहुत गंदा, पीने का मन नहीं करता है, इसीलिए बराबर वाले गाँव से पानी लेने के लिए जा रहा हूँ पीने का कुएं से। राहुल मैंने कहा था अपने गांव के प्रधान जी से कुएं की सफाई करवाने के लिए, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रिंग रही है तो मैं क्या करूं? अरे योगी जी आ गए, लालू जी योगी जी आ गए, देखो अपनी साइकिल पे कितने ज्यादा आलू के बोरे लाद के ला रहे हैं। और योगी जी नमस्कार। मोदी जी नमस्कार नमस्कार, और क्या हाल है मोदी जी, कौन सी फसल लगाओगे इस बार खेत में? अरे योगी जी आप ही बता दो कौन सी फसल लगाएं, आप तो इस टाइम जो भी छू रहे वो सोना बन जा रहा है। मेरा मतलब खेत में जो भी फसल लगाते हैं उसकी बम्पर पैदावार होती है, लगता है इस बार लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान है। और हमें देखो हमारे ऊपर तो पता नहीं शनि का कौन सा प्रकोप पड़ गया है, खेत में अच्छी तरीके से पैदावार हो ही नहीं रही है, दिन रात भौड़ा चलाता रहता हूँ। मोदी जी आप जितनी देर खेत में मेहनत नहीं करते हो उससे ज्यादा तो आप गांव के लोगों के साथ गप्पे उड़ाते हो, मेहनत करते ही नहीं हो क्यों? अगले तुम ही बताओ मोदी जी कितनी मेहनत करते हैं और मैं अपने खेत में कितनी मेहनत करता हूँ। मोदी जी बुरा मत मानना, योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, योगी जी के मुकाबले आप 10 पैसा भर भी मेहनत नहीं करते हो। अगले तुम तो ज्यादा बोलो मत, तुम्हें लालू जी को अमित शाह जी को मैंने यहाँ पे बातें करने के लिए बुलाया है, ना कि योगी जी की तारीफ करने के लिए। तुम यहाँ पर खेत में आके बैठ जाते हो तो खेत में काम करने में भी मन लगा रहता है, नहीं तो खेत में मेहनत करने में कहाँ में मन लगता है। और देखो इस बार मैं आलू की फसल लगाऊंगा और योगी जी से अच्छी फसल पैदा करके दिखाऊंगा।